अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज बनाएंगे कुलती के मोर के फुग्गे वड़ा। देखे देखे मई, 1 कप ऑफ, 1 कप कुलती के दाने लिए हैं, वो भी मोर आए। सो मैं सालन बना रही थी, लेकिन याद आया है मुझे ये वड़ा दिखाने का। देखिए, ये हमारे दादी बनाते थे, बहुत अच्छे होते थे। इसका मीठा भी बहुत अच्छा होता है। ये तो आयरन अंश रहता है ना, आप लोगों वारे में 1 से 2 बार खाना ही है, इसीलिए डिफरेंट टेस्ट आप लोग भी ज़रूर यही मेथड में फॉलो कीजिए। देखिए, 2 कप ऑफ कुलथी के दाने लिए हैं। इसमें लिए हैं 1 6 से 7 पुदीना के लीव्स। देखिए, अदरक 2 इंच होती अदरक ली हूँ। देखिए, करेपाक, कच्चा करेपाक ली हूँ। इसमें कच्चा फ्लेवर ही बहुत अच्छा है, ये और ज़्यादा इन्हेंस करता है टेस्ट को। देखिए, मैं थोड़ा सा आधा प्याज ली हूँ, ताकि मोटा सा कट की हूँ। देखिए, अदरक, लहसुन के कलियाँ, देखिए 1 8 होते लहसुन के कलियाँ ली हूँ। अब लेंगे इसमें मसाले। देखिए, इसमें कैरेट डालना है, मिडिल मिडिल खाते स्टम कैरेट, बहुत अच्छा टेस्ट लगता है। देखिए, बारीक चॉप किया हुआ कोथिंबीर, बारीक चॉप किया हुआ मिर्ची और करेपाक, थोड़ा सा प्याज, और ये बेकिंग सोडा है, ये है ना स्वाद अनुसार नमक, जीरा, अजवाइन, ये है ना मिक्सी कर लेने के बाद डाल लेने के आइटम्स है। अब इसको मिक्सी कर लेंगे। इस सारे आइटम्स को डाल लेकर थोड़ा सा नमक डाल लेंगे, नहीं तो भी चलता है, ताकि इसमें मिर्ची नहीं है ना, इसीलिए नमक बाद में डाले तो भी चलता है। चलिए, अब इसको फाइन दरदरा सा पेस्ट कर लेंगे, ताकि फाइन पेस्ट नहीं करना है इसका। चलिए, अब इसको पेस्ट बना लेंगे। पानी नहीं ऐड करना है, प्याज का, अदरक अदरक का, लहसुन का पानी रहता है ना, उसमें ही दरदरा सा पेस्ट कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स, उतना आसान से वो पेस्ट नहीं होता है, इसीलिए हमें दी फर्स्ट जार में थोड़ा सा पानी, ताकि 4 to 5 ड्रॉप्स उतना पानी डाल लेंगे। इसमें डाल लेंगे हमारे, देखिए इसको फर्स्ट डाल लेना है। इसके बाद तेल, पानी रहता है ना, पानी लिक्विड, ये थोड़ा पानी छोड़ता है ना, इसको डाल लेकर पेस्ट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ऐसा दरदरा से पीस लिया है। देखिए, फाइन पेस्ट नहीं, देखिए ये खाते समय ये क्रिस्प होते हैं ना, बहुत फाइन लगते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस सारे को भी इसमें डाल लेंगे, एक अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारा तेल भी गरम हो रहा है, अब डालेंगे वड़ा। देखिए फ्रेंड्स, हमारा ऑयल भी गरम हो गया है, ताकि ये थोड़ा मीडियम साइज रख ली हूँ, ताकि बहुत गरम हुए तो तेल बहुत ब्लॉक हो जाते हैं, इसीलिए देखिए स्टेप बड़ा बना लेकर डाल लीजिए। ऐसे सारे डाल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, काम भी फूटने का चांसेस भी नहीं रहता है, ताकि ये ऐसे ही बनते हैं। देखिए कितना मज़ेदार बन गए हैं। देखिए, अब इसको सर्विंग प्लेट में डाल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इतना ही थोड़ा सा क्राफ्ट हो गए हैं। देखिए फ्रेंड्स, कितना परफेक्ट आ गया है। देखिए देखिए, काम भी क्रैक नहीं है। आप लोग को क्या तो क्रैक हो रहे हैं बोले तो, आप लोग थोड़ा चने का आटा भी मिक्स कर ले सकते हैं, ताकि बेसन भी मिक्स कर ले सकते हैं। मेरे तो परफेक्टली आ गए हैं। देखिए देखिए, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक कीजिए। प्लीज़ न्यू व्यूवर्स, सब्सक्राइब मी। आपका लाइक शेयर मुझे सख्त ज़रूरत है, प्लीज़ सब्सक्राइब मी। अस्सलाम वालेकुम।